हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं वन डे मोमेंटम कप, जो साउथ अफ्रीका का डोमेस्टिक कप हो रहा है उसकी। और ये वाला जो मैच है ये है 23वां मैच और ये होने वाला है कोबरा और नाइट्स के बीच में। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच हमें वाला देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा सेफ मैच ये आज के मैचेस में से हमारे लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जोन से प्लेयर पहले वाले मैच से यहाँ पर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, वही प्लेयर यहाँ पर परफॉर्म करते हुए हमें दिखे हैं अभी तक। और कोई भी प्लेयर यहाँ पर एकदम से ऐसे नहीं है कि जैसे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम में है। जैसे कि साउथ अफ्रीका की टीम में पहले वाले मैच में हेनरी क्लासन और दूसरे वाले मैच में जे मलान हमें परफॉर्म करते हुए दिखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंसिस्टेंसी नहीं है प्लेयर्स के अंदर। कंसिस्टेंट प्लेयर ही हमें यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। तो अभी हम यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात कर लेंगे, पिच रिपोर्ट की बात कर लेंगे, वेदर रिपोर्ट की बात कर लेंगे और सारी की सारी डिटेल की अभी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये जो है 23rd मैच है वन डे मोमेंटम कप और ये खेला जाएगा केप कोबरा और नाइट्स के बीच में। और ये वाला जो ग्राउंड है वो होने वाला है रिक्रिएशन ग्राउंड में। और अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो मैच है इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 1:30 बजे, लोकल टाइमिंग के हिसाब से 10 बजे शुरू होगा। टीम न्यूज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, केप कोबरा जो है अपना लास्ट वाला मैच हार कर आ रही हैं नाइट्स के खिलाफ ही, और 3 विकेट से वो वाला मैच हारे हैं। डकवल डुइस मेथड से वो वाला मैच का रिजल्ट हमें देखने को मिला था। जे बर्ड और जे हमजा जेड हमजा की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही थी। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, 69 रन जे बर्ड ने बनाए थे। और उसके बाद अगर मैं जेड हमजा की बात करूँ तो जेड हमजा ने यहाँ पर 64 रन अपनी टीम के लिए बनाए थे। ए खानिया की अगर मैं बात करूँ तो 3 विकेट इन्हें चटकाए थे। नाइट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, नाइट्स जो अपना पिछला वाला मैच टाइटन से 6 विकेट से जीत कर आ रहे हैं, यहाँ पर ए गॉस और डब्ल्यू मकवेटा की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही थी। ए गॉस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, 163 रन ने पिछले वाले मैच में मारे थे और 47 रन जो हैं डब्ल्यू मकवेटा ने मारे हैं। अब अगर मैं एम बूटजा की बात करूँ तो एम बूटजा ने जो है यहाँ पर पिछले वाले मैच में 5 विकेट चटकाई थी। उसके बाद अगर मैं बैटमैन की बात करूँ तो 3 विकेट ने यहाँ पर अपनी टीम के लिए चटकाई थी। जी लिंडे और यहाँ पर नहीं खेले थे, और जे स्मिथ जो हैं इन्हें स्क्वाड में ऐड किया गया था। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, जे मलान और काइली यहाँ पर अभी नहीं खेल रहे हैं अपनी टीम, मतलब नेशनल टीम के लिए जो है ये सर्व कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर मैं डी पीट और एफ एडम की बात करूँ तो ये भी जो हैं अभी स्क्वाड में ऐड किए गए हैं। अब अगर मैं मैच प्रीव्यू की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, लायंस जो हैं यहाँ पर 2nd नंबर पर पोजीशन पर हैं, और नाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है 6th पोजीशन पर है। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नाइट्स की अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं रही है, उनने सिर्फ जो है 1 मैच यहाँ पर जीता और 3 मैचेस यहाँ पर हारे हैं। सॉरी, ये मैं लायंस की अगर मैं बात करूँ, ये लायंस हैं, पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ केप कोबरा जो है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया टीम है। वेदर रिपोर्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन हमारे लिए रहने वाला है ये। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो कोई भी रेन के चांसेस नहीं है। विंड जो चलने वाली है वो 9 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमें चलती हुई दिखेगी। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 17 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। और अगर मैं पिच ट्रैक की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो है स्टिफ बैटल हमें देखने को मिलेगा बैट और बॉल के बीच में। अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड ने एक ही मैच यहाँ पर होस्ट करा है, और वो वाला मैच भी जो है पूरा नहीं हुआ था, मतलब 2 ही ओवर हमें कम देखने को मिले थे, 98 ओवर हमें देखने को मिले थे वहाँ पर। और वहाँ पर जो है हमें देखने को ये भी मिला कि जो है यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली साइड ही यहाँ पर विनर रही थी। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो बॉलर्स के लिए रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रही थी इस पिच पर, और धीरे धीरे जैसे मैच आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे जो है पिच यहाँ पर स्लो डाउन हमें देखती, मतलब स्लो डाउन होती हुई हमें दिखती रही। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ टॉस एडवांटेज की, तो टॉस जोन सी भी टीम, जोन सा भी कप्तान जीतेगा, वो यही चाहेगा कि यहाँ पर जो है बैटिंग फर्स्ट करे, क्योंकि यहाँ पर पहला वाला जो मैच हुआ था वो वाला मैच भी बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने ही जीता था। केप कोबरा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पी मलान है, फिर उसके बाद वहाँ पर जेड हमजा हैं जो अपनी टीम के कप्तान हैं, फिर उसके बाद एट कोजी हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर जॉनथन बर्ड हैं, जी लिंडे हैं, फिर उसके बाद जेसन स्मिथ हैं, रोरी हमारे पास रहेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास ए मिजवामा हैं, फिर उसके बाद टी नितनी हैं, फिर उसके बाद डी पैटरसन और ए मखाने हमारे पास रहेंगे। अब अगर यहाँ पर मैं नाइट्स की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो हमारे पास जो है ए गॉस होंगे, जे सिनमैन होंगे, फिर उसके बाद के पैटरसन हैं, ग्रांट हमारे पास हैं, पी कुगर हैं, फिर उसके बाद डब्ल्यू मकवेटा हैं, पी वैन और ओ
पिनार में से हमें कोई एक खेलता हुआ दिखेगा, फिर उसके बाद एस वॉन बर्ग है, फिर उसके बाद ओ बार्टमैन है, उसके बाद जो है एम बूर्जा है, और उसके बाद जो हमारे पास है एम जैनसन हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम टीम की बात कर लेते हैं। टीम की बात करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन भाइयों ने वीडियो लाइक नहीं करी है वो लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। तो यहाँ पर अगर मैं टीम ऑप्शन की बात करूँ तो हमारे पास जो है काइली अवेलेबल नहीं है, अभी इंटरनेशनल टीम के लिए सर्व कर रहे हैं। डब्ल्यू मकवेटा उनकी जगह बहुत ही बढ़िया हमारे लिए ऑप्शन रहेंगे अपनी टीम के लिए, और काइली की जगह जो अभी खेल रहे हैं वो एच कोडजी हैं। एच कोडजी को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 2% प्लेयर्स नहीं इन्हें अपनी टीम में पिक करा है। पीटर मलान हमारे लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पर आप देखिए पीटर मलान की पिछले मैच की परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया रही थी। पी वैन हमें खेलते हुए दिख सकते हैं, जे मलान अभी नहीं खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। के पैटरसन का ऑप्शन हमारे पास बहुत ही बढ़िया रहेगा। फिर अगर मैं बात करूँ जेड हमजा एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है अपनी टीम के लिए, अपनी टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कप्तानी पारी ही हमें खेलते हुए दिखे हैं। ए गॉस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये दोनों आप मान के चलिए कप्तान वाइस कप्तान के बहुत ही तगड़े ऑप्शन हमारे लिए रहेंगे। अब अगर आगे मैं नीचे बात करूँ तो आर वेंट अंडर को खिलाया जा रहा था कुछ मैचों तक, फिर उसके बाद इन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। फिर अगर मैं बात करूँ तो ए मकवेजवा हमारे पास रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही बढ़िया प्लेयर हो। जे बर्ड भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। पी कुगर अभी नहीं खेल रहे हैं। फिर उसके बाद जे स्मिथ का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ओ पिनार हमें खेलते हुए दिख सकते हैं, ओ पिनार या पी वैन में से हमें कोई एक खेलता हुआ दिखेगा, ओ पिनार खेलते हैं तो हम इन्हें अपनी टीम में जरूर रखेंगे। जे सिनमैन है, फिर उसके बाद जी लिंडे हैं, दोनों के दोनों प्लेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास जो ऑप्शन है बॉलिंग के वो एस वॉन बर्ग हैं। आप देख सकते हैं इनके पॉइंट्स भी, इनकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा है। रोरी हमारे पास अवेलेबल है। फिर उसके बाद जो है डी पैटरसन को खिलाया जा रहा है। फिर उसके बाद एम बूर्जा, आप देखिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए रहने वाले हैं। ओ बार्टमैन का ऑप्शन बहुत ही बढ़िया हमारे लिए रहेगा। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो टी नितनी हमारे पास अवेलेबल हैं, और ये जो है टीम इतनी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी टीम में रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए इनके पॉइंट्स आप देख सकते हैं, करीब करीब 400 पॉइंट ये भी अर्न कर चुके हैं अभी तक ड्रीम 11 में। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लेयर हमारे लिए रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको टीम दिखा देता हूँ। पहली वाली टीम में जो मैंने कप्तान रखे हैं वो जेड हमजा रखे हैं, वाइस कप्तान जो रखे हैं जे सिनमैन रखे हैं, डब्ल्यू मकवेटा रखे हुए हैं, एच कोडजी हैं, के पैटरसन हैं, ए गॉस हैं, पीटर मलान हैं, जी लिंडे एस वॉन हैं, फिर उसके बाद एम बूर्जा हैं, और रॉरी मैंने रखे हुए हैं। ये वाली टीम हमारे लिए बहुत ही बढ़िया स्मॉल लीग की टीम रहेगी। प्राइम टीम भी हमारे लिए यही वाली टीम रहने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक ऑप्शन हमारे पास जो है जी ए गॉस को आप जो है वाइस कप्तान रख सकते हैं। ए गॉस का ऑप्शन भी एज अ वाइस कप्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी टीम के लिए रहने वाला है। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पर पीटर मलान को मैंने वाइस कप्तान रखा है, जे स्मिथ को यहाँ पर कप्तान रखा है, ग्रैंड लीग की ये वाली टीम है, डब्ल्यू मकवेटा रखे हैं, जेड हमजा रखे हैं, गॉस रखे हैं, पी कुगर रखे हैं, जे सिनमैन रखे हैं, स्वॉन बर्ग रखे हैं, बूर्जा रखे हैं, रोरी रखे हैं, टीम इतनी रखे हैं। ये वाली टीम हमारी ग्रैंड लीग का ऑप्शन रहेगी। ग्रैंड लीग फेवरेबल ये वाली टीम हमारी रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप ग्रैंड लीग के ऑप्शन की वाइस कप्तान की बात करें, अगर आपको सेफ ऑप्शन रखना है तो यहाँ पर हमारे पास ए गॉस का ऑप्शन बहुत ही बढ़िया सेफ ऑप्शन रहेगा। तीसरी टीम की अगर मैं बात करूँ तो ये वाली टीम भी हमारी जो है ग्रैंड लीग फेवरेबल है। पीटर मलान कप्तान है, जे बर्ड यहाँ पर वाइस कप्तान है, डब्ल्यू मकवेटा है, ए मकवेजना है, फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जेड हमजा मैंने रखे हुए हैं, फिर उसके बाद ओ पिनियार हैं, जे सिनमैन है, फिर उसके बाद जे स्मिथ है, एस वॉन बर्ग है, एम बूर्जा और ओ बार्टमैन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये वाली टीम हमारे लिए ग्रैंड लीग की रहने वाली है। ग्रैंड लीग फेवरेबल ये वाली टीम हमें बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जे बर्ड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। अब अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक प्राइम टीम का ऑप्शन, तो यहाँ पर अभी आपके सामने एक प्राइम टीम का ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास डब्ल्यू मकवेटा का ऑप्शन बहुत ही बढ़िया रहेगा, फिर उसके बाद हमारे पास पीटर मलान का ऑप्शन बहुत बढ़िया रहेगा, फिर उसके बाद हमारे पास जेड हमजा हैं, ए गॉस हैं, और जे बर्ड हम अपनी टीम में रखेंगे। अगर आप चाहें तो जे बर्ड और ए मिजवामा में से किसी एक प्लेयर को रख सकते हैं। अभी मैं आपको पूरी टीम बना के दिखा देता हूं। तो प्राइम टीम की अगर हम बात करें तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे। सारे के सारे प्लेयर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हमें परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो जे बर्ड को हटाकर यहाँ पर जे स्मिथ को पिक कर सकते हैं। वो वाला ऑप्शन भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टीम वो वाली भी रहने वाली है। यहाँ पर जो मैंने रखे हैं डब्ल्यू मकवेटा रखे हैं, गॉस रखे हैं, फिर उसके बाद ए मजवीमा रखे हैं, फिर उसके बाद जो है जेड हमजा रखे हैं, पीटर मलान रखे हैं, जे बर्ड रखे हैं, जे सिनमैन है, जी लिंडे हैं, स्वॉन बर्ग हैं, बूर्जा और टी नितिनी है। ये वाली टीम हमारे लिए प्राइम टीम का ऑप्शन रहने वाली है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक ऑप्शन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जे बर्ड की जगह आप जो चाहें यहाँ पर तो जे स्मिथ को रख सकते हैं। अब अगर मैं कप्तान वाइस कप्तान ऑप्शन की बात करूँ तो हमारे पास जेड हमजा एज अ कैप्टन
बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेयर रहने वाले, और मैं प्राइम टीम में इन्हें ही कैप्टन जो है आपको सजेस्ट करूँगा और अपनी टीम में भी इन्हें कप्तान रखूँगा। वाइस कप्तान हमारे पास ए गॉस का ऑप्शन है, वाइस कप्तान हमारे पास जो है जे सिनमैन का ऑप्शन है, वाइस कप्तान हमारे पास जो ऑप्शन है अगर आप चाहें तो ए मजवीमा को भी रख सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जी लिंडे का भी ऑप्शन हमारे पास बहुत बढ़िया रहेगा। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आप जे बर्ड को नहीं रखते हैं और जे स्मिथ को रखते हैं तो एज अ वाइस कैप्टन जे स्मिथ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपनी टीम के लिए रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्राइम टीम ये हो गई, एक प्राइम टीम हमारी पहली वाली हो गई, दो प्राइम टीम मैं आपको बता चुका हूँ और दो यहाँ पर ग्रैंड लीग के ऑप्शन बता चुका हूँ। सारे के सारे ऑप्शन मैं आपके पास आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन से प्लेयर हमारे पास ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे, कौन से प्लेयर हमारे लिए स्मॉल लीग के रहेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।